नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं कुशवाहा बॉयज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत का इतिहास भारत विरोधियों ने लिखा है। भारत के इतिहास के साथ बेईमानी की गई है और भारत का इतिहास एक छद्म इतिहास है। ऐसा कहने के पीछे तर्क यह है कि भारत के इतिहास में हमें यह बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन मत अपनाया था। हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ स्वप्न देखने के बाद जैन आचार्य भद्रबाहु से जैन मत की दीक्षा ली और जैन मुनि के रूप में चंद्रगिरी पर्वत पर अपने जीवन के अंतिम क्षणों को एक जैन सन्यासी के रूप में व्यतीत किया। जबकि यह सत्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में भद्रबाहु से जैन मत की दीक्षा लेने वाले राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि चंद्रगुप्ती था। और जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक थे तथा उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहीं जैन बनने वाले राजा का नाम चंद्रगुप्ती था और वह उज्जैन के शासक थे। राजा चंद्रगुप्ती के विषय में हमने जो प्रमाण इस वीडियो में लिया है, वह प्रमाण हमें जैन ग्रंथ भद्रबाहु चरित्र से मिलता है। भद्रबाहु चरित्र ये आचार्य रत्न कीर्ति द्वारा विरचित संस्कृत छंदबद्ध ग्रंथ है। इसमें 4 परिच्छेद तथा 498 श्लोक हैं। भद्रबाहु चरित्र द्वितीय परिच्छेद में यह श्लोक लिखा है। इसका अर्थ मैं आपको बताते चलता हूँ। विवेक विनय धन धन्यादि संपदाओं से समस्त देशों को जीतने वाले अवंती नामक देश में प्रकार से युक्त तथा श्री जिन मंदिर गृहस्थ मुनि उत्तम धर्म से विभूषित उज्जैनी नामक पुरी है, उसमें चंद्रमा के समान निर्मल कीर्ति धारक, चंद्रमा के समान आनंद देने वाला, सुंदर सुंदर गुणों से विराजमान, ज्ञान तथा कला कौशल में सुचतुर, जिन पूजन में इंद्र के समान, 4 प्रकार के दान देने में समर्थ तथा अपने प्रताप से सूर्य को पराजित करने वाला चंद्रगुप्ती नामक राजा था। इस प्रकार यह ग्रंथ स्पष्ट करता है कि भद्रबाहु से दीक्षा लेकर जैन मत स्वीकार करने वाले राजा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बल्कि चंद्रगुप्ती था, जो उज्जैन के राजा थे। इस ग्रंथ के द्वितीय परिच्छेद के श्लोक 18 और 19 में जैन आचार्य भद्रबाहु के अपने 12,000 मुनियों के साथ उज्जैन आने का भी विवरण है। अतः जैन ग्रंथों के प्रमाण के हिसाब से यह सिद्ध होता है कि जैन मत स्वीकार करने वाले राजा का नाम चंद्रगुप्ती था और वह उज्जैन का राजा था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य मगध के शासक थे। अतः हम कह सकते हैं कि भारत का इतिहास बहुत ही विचित्र और षड्यंत्रपूर्ण तरीके के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है। जबकि जिन साक्ष्यों के आधार पर हमारा इतिहास लिखा गया, उन साक्ष्यों को खंगालने पर हकीकत कुछ और ही निकल कर सामने आती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो को शेयर करना और लाइक करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा इसी तरह की अगली किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।